हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, इसमें से आप एक ले लेना। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वन प्लस नाइन प्रो स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिलेंगे। और ये दोनों स्मार्टफोन की चार चीज लीक हो चुकी है: प्राइस, लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन। डिज़ाइन सबसे मेन होता है किसी स्मार्टफोन का, जिससे पता चल जाता है कि ये स्मार्टफोन कैसा दिखने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा बैक और फ्रंट साइड में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वन प्लस नाइन प्रो के रिगार्डिंग प्राइस, लॉन्च डेट और किस टाइप की स्पेसिफिकेशन ऑफर करेंगे इस बार वन प्लस वाले। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी बहुत सारी रेंडर इमेजेस और फोटो लीक हुई, जहां से पता चलता है कि इसके बैक साइड में आपको ग्लास बैक दिया गया है, वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ में। इसका ग्लास बैक आने वाला है, फेंक दोगे तभी नहीं फूटेगा। और जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों, सुन के तो आप हैरान हो जाओगे, इन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले इतना गजब का दिया गया है। आपको वन प्लस नाइन में 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, जहाँ पर 120Hz का रेफ्रेश रेट मिल रहा है। मैं तो सोच ही नहीं सकता तो आपको यहां पर 120Hz का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। वाह, क्या गजब कर दिया, अरे वाह। चलो बात करते हैं OnePlus 9 Pro के डिस्प्ले के बारे में। तो आपको यहां पर 6.71 इंचेस का फुल HD प्लस एक AMOLED स्क्रीन दिया गया है, जहां पर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिला है, अरे वाह। प्राइस भी बहुत ज़्यादा है दोनों स्मार्टफोन की, एक की 40,000 के आसपास है, एक की 50,000 के आसपास है। देखिए, ये था फंडा इतना ढेर सारा एमोलेड और रिफ्रेश रेट देने का। तो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अलग अलग प्रोसेसर दिया गया है। OnePlus 9 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट दिया गया है। सुन रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही गजब का चिपसेट है। और जो हमारा OnePlus 9 Pro है, आपको उसमें न्यू चिपसेट देखने को मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 875, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर आता है। वाह, क्या गजब का प्रोसेसर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल रहा है। आइए बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा ऑक्सीजन OS पर, जो कि खुद का OS है हमारे OnePlus भैया जी का, अरे OnePlus कंपनी का। जानते होगे आप लोग, OnePlus इतनी बड़ी कंपनी आप लोग नहीं जानते यार, ऐसा करोगे। चलो हटो। आइए थोड़ा सा दोनों के कैमरा पे नज़र मार लिया जाए, मतलब कि कैमरास के बारे में बात कर ली जाए। तो OnePlus 9 Pro में आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा पीछे। थोड़ा ध्यान से देखिए इसकी कैमरास को, कितना अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। बॉक्सी स्क्वायरी डिज़ाइन के साथ में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर 64MP का है, और साथ में आपको 16MP का टेलीफोटो लेंस है, और 48MP का दोस्तों क्या है ये 48MP का आपको यहाँ पर क्या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है। सोचिए दोस्तों, 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, आप लोग कैमरा के अंदर बाहर निकल के फोटो खींचेंगे, ऐसा आपको यहाँ पर कैमरा दिया गया है। और साथ में आपको 5MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा मिल जाएगा। तो ये OnePlus 9 Pro का कैमरा था। अब मैं बात करता हूँ OnePlus 9 के कैमरा के बारे में। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 कैमरा दिया गया है, सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी। मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्या है। प्राइमरी सेंसर 64MP का है, और साथ में आपको 16MP का वही टेलीफोटो लेंस मिलेगा, और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोग को। तो अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं करा गया, आपको पंचुअल दिया गया टॉप अप लेफ्ट कॉर्नर में, जहां पर आपको सेम कैमरा देखने को मिलेगा। 32MP का 9 में भी मिलेगा, और 32MP का 9 प्रो में भी मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। दोस्तों, बैटरी लाजवाब है, इतनी लाजवाब कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। OnePlus 9 में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहां पर 65W का चार्जर मिल रहा है, और वहीं OnePlus 9 Pro में आपको 4350mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर भी आपको 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है। मैं ये रूमर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, ये देख सकते हो GSM Marina का वेबसाइट पे ये लीक हुआ था, इसलिए मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। समझ गए ना आप,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास फेस डिटेक्शन मिलेगा, डिजिटल जूम देखने को मिलेगा, ऑटो फ्लैश देखने को मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एमोलेड पैनल के साथ में आपको हमेशा से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता आया है, इसलिए आपको यहाँ पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है और साथ में आपको फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदा इतना ढेर सारा भयंकर भयंकर स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट 100% जाके कहीं से लिखवा के छपवा के साइन मरवा के हमको दे देना, एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ, सर्च मार के देख सकते हो। तो प्राइस के बारे में क्यों नहीं बता रहा ये सोच रहे होंगे, लो मैं बता रहा हूँ, सबर करो, थोड़ा तो सबर कर लिया करो, पूरी वीडियो देख के जाया करो। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर OnePlus 9 का जो प्राइस होने वाला है 46,000 से स्टार्ट होगा इंडियन मार्केट में, और जो हमारा OnePlus 9 Pro का प्राइस होने वाला है वो थोड़ा सा हाई है, 52,000 से स्टार्टिंग प्राइस है उसका, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 4 महीने पहले, क्योंकि एक बंदा था OnePlus का जो ढेर सारा स्पेसिफिकेशन लीक्स और प्राइस और फोटो वोटो सब कुछ लीक कर दिया था, फिर उसके बाद डिलीट भी मानना पड़ा था OnePlus के जो कंपनी वाले हैं, फिर उसके वजह से बहुत सारा उनका जो डाटा था वो निकल गया, OnePlus के 9 सीरीज से रिलेटेड जो जो डाटा था वो लीक हो गया था, इसी की वजह से मैं आपको जो इतने ढेर सारे स्पेसिफिकेशन बता पाया हूँ। तो फाइनली मुद्दे पे आते हैं, लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपको मार्च के मिड में देखने को मिलेगा, मतलब मार्च में देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन, दोनों स्मार्टफोन आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा, कंफर्म नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो भाई सब कुछ मैं आपको बता दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो तुरंत अभी कमेंट करके पूछ देना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे पसंद तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आ रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब करके एक बात याद रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा जरूर से, तभी आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है ना। जो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सॉरी वंदे मातरम।